गोला थाना क्षेत्र में स्कूल प्रबंधक पर नाबालिग छात्रा द्वारा दुष्कर्म के लगाए गए आरोप के मामले में गोला थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा आरोपी प्रबंधक हरेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि 25 अगस्त को थाना गोला में हरेंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय रामजन यादव निवासी सिधारी थाना गोला जनपद गोरखपुर के ऊपर नाबालिग छात्रा द्वारा अपने घर पर बुलाकर दुष्कर्म करने के पश्चात वीडियो वायरल करने की धमकी देने के मामले में उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। गोला थाने की पुलिस द्वारा शुक्रवार को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गोला थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, उप निरीक्षक राजेश कुमार यादव, उप निरीक्षक आलोक कुमार राय, कांस्टेबल अजीत दुबे, अभिषेक कुमार यादव, नसरुद्दीन खान, रूप कुमार तिवारी सहित महिला कांस्टेबल सरिता चौहान शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, पच्चीस तारीख को एक मुकदमा लिखा गया था गोला में अंडर सेक्शन 376 और 5/6 पॉस्को एक्ट में, और उसमें जो अभियुक्त था हरेंद्र उसकी गिरफ्तारी की गई है। वो एक स्कूल का प्रबंधक बताया जा रहा है। सर, इस दौरान उसने वीडियो बना के ब्लैकमेल भी करना चाहा। वीडियो बना के ब्लैकमेल की बात नहीं थी उसमें, दूसरी बात थी। उसने ये कहा था कि पहले ये लड़की ने जो बताया है कि वो पहले जब उसको बुलाता था तो ये कहता था कि तुम्हारे पापा को मैं ये कह दूंगा, वो कर दूंगा और कुछ भी। तो इसी हिसाब से उसने पहले ये कुछ नहीं बताया, फिर अब काफ़ी कुछ हो गया होगा तो उसने 25 तारीख को तहरीर दिया, तहरीर के अनुसार ही कार्रवाई हुई है।